नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूं, सिद्धू बाजी का आप में जाना अब लगभग तय हो गया है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके ये बात कह दी है कि आम आदमी पार्टी ने मेरे विजन को पहचाना है। वो जानते हैं कि पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि अब वो केजरीवाल के साथ काम करने को तैयार हैं। 3 दिन पहले ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पंजाब में थर्मल प्लांट बंद करने की याचिका को लेकर के सिद्धू ने उन पे हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पार्टी चाहती है कि पंजाब का थर्मल प्लांट बंद हो जाए, पंजाब में बिजली का संकट हो और परेशानी हो जाए पंजाबियों को और किसानों की फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन अब उन्होंने ट्वीट किया है और उसके साथ एक पुराना वीडियो भी लगाया है, जिसमें उनके राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में आपकी ओर से उनके लिए माहौल बनाने की बात कही गई है। वीडियो में आप नेता संजय सिंह उनकी तारीफ कर रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि वो सिद्धू के इस साहसिक कदम और बहादुरी भरे फैसले का स्वागत करते हैं। सिद्धू और उनकी पत्नी अकाली दल के भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। और इस वीडियो में आपके पंजाब के अध्यक्ष भगवंत सिंह मान सिद्धू की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रोल मॉडल से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सिद्धू पार्टी में आते हैं तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका स्वागत करूंगा। और सिद्धू का जो ट्वीट है वो इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि पंजाब में अभी कांग्रेस का संकट टला नहीं है, अंदरूनी कलह चल रही है। हाईकमान की कमेटी के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर आए, इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। सिद्धू के बारे में लगातार ये बात कही जा रही है कि वो मौजूदा कैप्टन सरकार में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ना कोई उनसे पद लेने के लिए वो तैयार हैं। पंजाब में राजनीतिक गणित को देखते हुए कांग्रेस किसी सिख चेहरे को पंजाब प्रधान का पद नहीं देना चाहती। ऐसे में सिद्धू को कैप्टन कमेटी का चेयरमैन बनाने की चर्चा चल रही थी। इसके बावजूद संकट का अभी तक कोई हल नहीं निकला है, स्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं। इस वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं सिद्धू इसके जरिए कोई सियासी संकेत तो नहीं दे रहे हैं। इधर पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पे गए थे। वहां उन्होंने ये ऐलान किया था कि पंजाब में आप पार्टी अगर जीतती है तो वो वहां का मुख्यमंत्री किसी सिख को ही बनाएगी। इस दौरान उन्होंने सिद्धू की तारीफ भी की थी और उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू बाजी की बात। अक्सर वो ऐसी गुगली फेंकते रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। आप भी मेरे साथ बने रहिए और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।